तो दोस्तों एक डीटीएच के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले कि ये डीटीएच नए चैनल की बारिश करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे नए चैनल आपको इस डीटीएच में देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सा डीटीएच है, कब और कैसे आप इसे देख सकते हैं इस सारे चैनल्स को, और कौन कौन से चैनल इसमें है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कौन सा डीटीएच है। और साथ ही साथ अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप भेजिए, कमेंट करके हमें बताइए, आपका रिप्लाई हम 24 घंटे के अंदर जरूर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इस डीटीएच की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, इस डीटीएच का नाम है ओकोआब डीटीएच, जो कि एक अफगानिस्तान का डीटीएच है, जो कि अफगानिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। तो ये एक नया डीटीएच है, इसमें बहुत सारे आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे। इसमें अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी और साथ ही साथ कुछ इंडियन चैनल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी FTA मोड में। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर बहुत सारे नए चैनल आपको FTA मोड में देखने को मिल जाएंगे, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के सारे कॉम्बिनेशन के चैनल यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप एक DD Free से ग्राहक है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होने वाली, क्योंकि इस DTH में आपके DD Free से जो 1 मार्च 2019 से जो चैनल बंद हुए हैं सोनी पर, स्टार सब जैसे, वो सारे चैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे FTA मोड में। जी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा DTH होने वाला है। तो ये DTH कौन सी सेटेलाइट पर वर्क करेगा, वो आपको बताया था। तो दोस्तों, एक नया सैटेलाइट इलिसिट 53° ईस्ट पर यहाँ पर ये चैनल आप आसानी से देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सैटेलाइट की जो आप देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये सैटेलाइट पे आप आसानी से ये सारे चैनल्स को देख पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर DD Free इसमें सारे चैनल देखने जाते हैं, तो मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ, आप सिर्फ इसे MPEG-4 सेटअप बॉक्स है तभी आप इसे तरीका को इस्तेमाल करें, MPEG-2 में इसे इस्तेमाल ना करें। कि आने वाली कुछ वीडियो में आपको ऐसी सेटिंग बताऊँ जिसमें सारे चैनल आप देख पाएंगे। तो फिलहाल अगर आप आसानी से इस सैटेलाइट पर अपने छतरी को घुमाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, निकल गए थे, यहाँ पर आपको कोई भी बड़ी छतरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आसानी से 2 फीट की जो आपकी साधारण छतरी होती है, उस पर भी ये चैनल्स को देख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आएगी, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी DTH रिलेटेड वीडियो जानने के लिए।